लेबर मार्केट एक्प्रियम जी स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लेबर मार्केट या याक्िब्रियम ऑफ एनी मार्केट इज डिटर्मन बाय द इक्वलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओके सो लेबर मार्केट एक्बरीम भी इसी तरह व्हेन लेबर डिमांड इज इक्वल टू द लेबर सप्लाई लेबर मार्केट विल बी इन एक्म एक्चुअली इसमें हम क्लासिकल मॉडल के अधम्शन यूज़ कर रहे हैं क्लासिकल मॉडल के आदम्शन ये है कि रियल वेज एडजस्ट क्वाइट क्विकली कि अगर मार्केट में इक्ब्रियम नहीं है अगर मार्केट में डिमांड और सप्लाई आर नॉट इक्वल फॉर एग्जांपल सप्लाई इज़ मोर एंड डिमांड इज़ लेस तो क्या होगा कि जो वर्कर्स सप्लाई ज़्यादा है जिन वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा तो वो लोअर वेज पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वेज जो है वो इंस्टेंटली कम हो जाएगी और एडजस्ट हो जाएगी और इसी तरह अगर डिमांड ज़्यादा है फॉर्म्स को वर्कर्स नहीं मिल रहे तो वो फिर जो लिमिटेड वर्कर्स होंगे उनको हायर करने के लिए वो ज़्यादा वेज ऑफर करेंगे सो इसमें ये है कि वेज क्विकली एडजस्ट कर जाएगी और अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये ये क्लासिकल मॉडल के अदमशन है जिसमें मार्केट क्लियर हो जाती है वेज को एडजस्ट कर जाती है सो so, जब मार्केट क्लियर हो जाएगी ओके डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है दिस एम्प्लॉयमेंट लेवल इज कार्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बिकॉज इस पर जो मार्केट की गोइंग वेज रेट है उस पर जितने लोग काम करना चाहते हैं जितनी लेबर सप्लाई है एग्जैक्टली exactly उतनी ही लेबर डिमांड है सो देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट

जो बात कर रहे हैं के इस कांस्टेंट शॉर्ट रन की बात हमने की थी कैपिटल स्टॉक इस कांस्टेंट ए इस कांस्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी इन शॉर्ट रन रिमेन्स कांस्टेंट सो अब एन डिटर्मन हो गया बिकॉज मार्केट इंस्टेंटली क्लियर हो जाएगी सो इम्प्लॉमेंट लेवल जो फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको एन बार से तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिर वाई को भी फिक्स कर देंगी इसको अभी हम ग्राफिकली भी स्टडी करते हैं तो दिस दिस वाई बार एज कॉन्स्टेंट केस कॉन्स्टेंट एंड लेबर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल सो यहाँ से जो आउटपुट होगी दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ग्राफिकली इसको अगर हम देखें ओके okay, हम दो दो ग्राफ हम बना रहे हैं ऊपर वाले ग्राफ में हम लेबर मार्केट को डिस्कस करेंगे इसलिए एक्स एक्सेस पर हमने एम्प्लॉयमेंट ओके okay, और वर्टिकल एक्सेस पर रियल वेज और नीचे वाले में हम आउटपुट लेवल को डिस्कस करेंगे इसलिए हॉरिजेंटल एक्सेस पर हमने लेबर और वर्टिकल एक्सेस पर आउटपुट ओके सो रियल वेज अगर आपके डब्ल्यू ओवर पी स्टार है तो इस पर यह लेबर डिमांड कर्फ और लेबर सप्लाई कर्फ के इंटरसेक्शन से ये तय पा रही है ठीक है ई e, इकलिब्रियम लेवल डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एन एस द फुल इम्प्लॉमेंट लेवल ऑफ इम्प्लॉयमेंट यहां से इम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिन हो रहा है बाय द इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और ये आपकी मार्केट की क्लियरिंग बेच रेट है ठीक है ये इम्प्लायमेंट लेवल आपका प्रोडक्शन फंक्शन में जब आप उट करेंगे ठीक है आप फेमिलियर हैं इस फंक्शन इस से प्रोडक्शन फंक्शन इसमें जब आप उठ करेंगे तो ये इम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन कर रहा है कि दिस विल बी द आउटपुट सो दिस वाइ स्टार इज द फुल एम्प्लॉमेंट लेवल आउटपुट ठीक है इसको पोटेंशियल आउटपुट भी कहते हैं कि ये वो मैक्सिमम आउटपुट है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि यहाँ पर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं जितना अवेलेबल कैपिटल है टेक्नोलॉजी है और इसी तरह लेबर मार्केट भी क्लियर हो रही है जितना लोग काम करना चाहते हैं वो सब के सब काम कर रहे हैं सो दिस इज़ द मैक्सीम Level of output, that's why this is called the full employment level of output.